हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 30 देन लेट्स स्टार्ट इट ओके देन हियर क्वेश्चन कंसीडर द वन स्टेटमेंट अबाउट द गौरगम ओके तो ये हम लोग का गौरगम uh, के बारे में है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और क्या उसका आंसर है देखेंगे इट इज़ यूज इन द एक्स्ट्रक्शन ऑफ सेल गैस इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोर क्रॉप फ्रॉम विच गोरगम इज़ डेराइव्ड ओके तो ये हम लोग का दोनों ही सही हैं और सेल गैस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यू प्रीलिम्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तो ये हम लोग का दोनों ही से ही है गोरगम से ये होता है सेल गैस जो प्रोड्यूस होता है और दूसरा क्या है हम लोग का इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे इसका ओके okay, देन पे एक्सप्लेनेशन है गर्गम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस एक्सट्रैक्शन इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द दिटी ऑफ द हाइड्रोलिक फ्रैक्शन फ्लूड विच मेक हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग

ब्रेड पास्ता शुगर सोसज एंड पेस्ट्रीज ओके देन पेस्ट्री ये सब के लिए भी ये यूज होता है जिसको कि एकदम गढ़ा बनाने के लिए आइसक्रीम जो हम लोग का गढ़ापन बनाता है वो सब यूज करने के लिए इसे यूज किया जाता है इसे ऐड किया जाता है ताकि ये गढ़ापन आए उसका थीकनेस आए और दो क्या है हम लोग का इंडिया सबसे ज़्यादा ये है और दूसरा क्या है इंडिया के बाद में पाकिस्तान है तो हम लोग का एट्टी परसेंट जितना भी यहाँ पे होता है इंडस्ट्री ये सब में सप्लाई होता है बाहर उसको ये करते हैं देन क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कॉम्पेरिजन प्रोग्राम ओके आईसीपी तो आईसीपी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे इट इज़ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ यू एन सेक्रेटरी काउंसिल इट एम टू प्रोड्यूस मेजरमेंट ऑफ परचेसिंग पावर पार्टीज फॉर इकोनॉमिक्स ओके देन परचेसिंग पावर पार्ट इज डबल ट्रिपल पी एस ओके फॉर इकोनॉमिक्स नीति आयोग इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर इंडिया ओके तो यह हम लोग का कौन सा करेक्ट आंसर है वो थोड़ा सा देख लेंगे टू देन वन एंड थ्री टू एंड थ्री तो हम लोग का क्या है टू करेक्ट हो जाता है और वन एंड थ्री गलत है तो so, हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा तो so, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देखेंगे इंटरनेशनल uh, ये रॉन्ग है हम लोग का इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम आई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेटिस्टिकल इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड ओके ये हम लोग का स्टेटिस्टिकल इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड है और ये कहाँ मैनेज करते हैं वर्ल्ड बैंक इसे मैनेज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के थ्रू देन अंडर द स्पीस ऑफ गन स्टेटिस्टिक कमीशन ओके नॉट सिक्योरिटी काउंसिल देन दूसरा हम लोग का जो ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है ये हम लोग का क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है आई सी पी का प्रोड्यूस परचेसिंग पावर पैरिटीज ओके एंड कंपेरेबल प्राइस लेवल इंडेक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इकोनॉमीज जितना भी इकोनॉमीज होता है उसका ये प्राइस इंडेक्स भी ये करते हैं कंपेयर करते हैं और परचेस पावर पार्टीज को भी ये करते प्रोड्यूस करते हैं और उसका तो हम लोग का जो भल्यूम रहता है पर कैपिटा मेजरमेंट का जी का उसको भी ये किया जाता है ओके okay, देन 2017 में क्या है इसको रेफरेंस दिया था और 2020 में में इसके बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया था ओके okay, तो ये रिलीज हुआ था इकोनॉमिक इंडिकेटर एज ए रिजल्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ 2017 इन मे 2020 ओके okay. देन हम लोग का दूसरा है जो तीन नंबर रॉन्ग था क्योंकि ये क्या है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी हम लोग का ये है इंडिया का है विच हैज़ द रेस्पांसिबिलिटी फॉर द प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल आई एक्टिविटी और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा होता है नीति आयोग के द्वारा नहीं होता है ओके देन टू नाइन्टी थ्री विच एमंग हैज बीन डिक्लेयर एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया तो हम लोग का नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया जो 2010 में डिक्लेयर हुआ था तो कौन सा इसमें से एनिमल है उसके बारे में देखेंगे एलिफेंट टाइगर गंगेटिक डॉल्फिन देन काओ तो हम लोग का क्या है एलिफेंट को क्या थे नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इंडिया इन्वायरमेंट मिनिस्टर डिक्लेयर द एलिफेंट एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल इन 2010 इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोटेक्टिव मेजर फॉर इट ओके तो क्या है बहुत सारे ऐसे जगह है जो ये को ये करते हैं एलिफेंट को पोचिंग करते हैं उसका ये के लिए दांत के लिए तो ये सब क्या है बहुत सारा जगह में ये है दूसरा क्या है जो गांव में एलिफेंट आ जाते हैं लोगों का खेती ये सब को नुकसान कराते हैं तो उसमें भी क्या है उसे मारने के लिए कोशिश करते हैं और बहुत इस तरह से हंटिंग होता है और इलेक्ट्रिक शॉक ये सब लग के भी मरते हैं तो उसके लिए बोल के ये क्या है हम लोग का एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया गया था ताकि इसका प्रोटेक्शन हो सके इसलिए 2010 में इसको किया गया है ओके देखेंगे 294 नाइन्टी नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ भेदार्स विच एमोंग बिलोंग टू नास्तिका स्कूल ओके देन बुद्धिजिम जैनिज्म लोकायता एंड आजीविका तो ये सभी क्या करते हैं भेदा को ये कर देते हैं तो हम लोग का वन टू थ्री फोर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखेंगे द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में भी क्लासिफाइड ब्रॉडली इंटू टू ऑफ है एक हम लोग का आस्तिका है और दूसरा हम लोग का नास्तिका है और ये क्या है ये बिलीव क्या करते हैं द फर्स्ट ग्रुप बिलीव द भेदा एन द सेकेंड स्कूल रिजेक्ट द भेदा तो हम लोग का नास्तिका में क्या है इसे रिजेक्ट किया जाता है भेदा नहीं है कहते हैं और आस्तिका में इसे बिलीव करते कि भेदा है देन हम लोग का जो रिजेक्ट करते हैं वो कौन कौन है बुद्धिजिम जैन एन लोकायाता एंड आजीविका ये सब इससे भेदा को ये करते हैं रिजेक्ट करते हैं देन क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप इन इन इंडिया ओके तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और इंडिया के साथ क्या रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे एवरी मेम्बर ऑफ द एन जी सी एन एस जी मस्ट बी ए सिग्नेटोरी ऑफ द नॉन पॉलीफेरेशन ट्रीति एन पी टी ऑल द मेम्बर ऑफ पी फाइव एसपैक्ट चाइना इंडियाज मेंबरशिप ऑफ एन जी सी फाउंड इन रेस्पॉन्स टू इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 तो कौन सा हम लोग का करेक्ट है वो देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या है टू एंड थ्री करेक्ट है तो ये हम लोग का सी हो गया आंसर तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट वन हम लोग का रॉन्ग है ये क्या है एक ये नहीं है कि अगर हम एन एस जी लेंगे तो वो मैंडेटोरी नहीं है कि एन पी टी की भी एन पी टी को भी साइन करना है तो ये है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा क्या है आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सब भी इसका मेम्बर है इंडिया भी है और चाइना क्या है इसे ओपोज कर रहा है कि इंडिया को नहीं मिलना चाहिए इसका मेंबरशिप बोल के तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में है अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मैं ये शेयर कर दूँगा ओके देन दूसरा हम लोग देखेंगे टू नाइनटी सिक्स इन विच ऑफ दिस नेशनल पार्क वुड यू नॉट फाइन टाइगर ओके तो हम लोग का नेशनल पार्क बहुत सारा है तो उसमें से ये नेशनल पार्क का नाम कुछ दिया है और वहाँ पे कौन सा जगह में टाइगर नहीं मिलता है देखेंगे ठीक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कन्ना नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क तो हम लोग का जिम कॉर्बेट कॉर्बेट नेशनल पार्क में है कन्ना में भी है पन्ना में भी है तो हम लोग का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसमें टाइगर नहीं दिखता है और नहीं है तो देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ इन हिमाचल प्रदेश कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है और वहाँ पे टाइगर नहीं मिलता है और अलग सारा बहुत सारा एनिमल मिल जाता है जैसे कि ब्लू सिप हो गया स्नो लियोपार्ड हिमालयन ब्राउन बियर हिमालयन तार मक्स डियर ये सब मिल जाता है और बाकी जितना हम लोग का पन्ना कन्हा उसमें क्या है हम लोग को टाइगर मिलता है तो चलिए और देख लेते क्वेश्चन नंबर टू नाइनटी सेवन द टर्न ब्लैक स्वान इवेंट तो ये अभी हम लोग हम लोग का कोरोना के लिए ये जो इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में मेंशन हुआ था तो इसको थोड़ा देखेंगे ओके ऑप्टिन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू किसके बारे में ये है जो कि न्यूज़ में भी बहुत रहा है और हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में मैंसन है ओके देन ऑप्शन ए द वाइड स्प्रेड मास माइग्रेशन ऑफ रेयर ब्लैक स्वान बर्ड फ्रॉम द मेरिन आर्टिक रीजन टू द मेन लैंड Uh, Siberian region. An extremely rare unpredictable event having potentially severe consequences. Uh, series of viral infection originated from the bird affecting human and other animal, The unpredictable appearance of the potentially hazardous asteroid in the Earth orbit. Okay. तो ये हम लोग का क्या है ब्लैक स्वाइन तो हम लोग जितना भी देखते हैं स्वाइन ये सब होता है तो वाइट कलर होता है बट कभी ब्लैक कलर का नहीं होता है क्योंकि वो कभी होता ही नहीं है तो इस तरह से चीज़ भी हम लोग के साथ जो घटा है अभी कोरोना ये क्या है हम लोग कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ऐसे हो सकता है तो उस तरह के चीज़ को लिए हैं तो हम लोग का भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ओके एक्सट्रीमली रेयर प्रेडिक्टेबल इवेंट ओके जिसके बारे में हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसे भी कुछ होने वाला है तो इस तरह से चीज़ हो गया इसलिए इसे ब्लैक स्वैन का नाम में आ, कहा गया है और आ, ये किया है इसको नाम को यूज किया है और आ, हम लोग का जो न्यूज़ में भी इसके बारे में बहुत चर्चा था और दूसरा क्या है हम लोग का ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में मैंसन किया गया है ओके तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ए ब्लैक स्वान इज एन अनप्रिडिक्टेबल्स इवेंट दैट इज बियॉन्ड व्हाट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ ए सिचुएशन एंड हैज पोटेंशियली सर्वर कॉन्सिक्वेंसेस ब्लैक स्वान इवेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय देर एक्सट्रीम रेलिटीज एंड देयर सेवर इम्पैक्ट ओके देन रिसेंट कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड द इम्पेंडिंग इन पेंडिंग्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी वन सच एग्जाम्पल तो ये क्या क्या हम लोग का जो कोरोना वायरल के वजह से बहुत सारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक ये सब क्या है ये हो गया है और बहुत सारे लोगों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा तो इसीलिए हम लोग इसे ब्लैक स्वान के नाम पर कहते हैं इवेंट के तौर कहते हैं ओके टू नाइन्टी एट द मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट इज इसशियली तो ये वेस्ट मिन्स्टर जो मॉडल है ये कौन सा गवर्नमेंट को ये करते हैं रिलेटेड करते हैं या कौन सा एसोसिएटेड करते हैं प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ए सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए ऑथोरिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो ये क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है ये वेस्टमिस्टर ओके मॉडल ऑफ वेस्टमिंस्टर तो हम लोग का सी हो गया करेक्ट आंसर तो चलिए देख लेते थोड़ा सा इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी इंडिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो मॉडल आफ्टर द वन फॉर्म इन द यूके इट टेक इट्स नेम फ्रॉम द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर और ये नाम क्यों दिया गया है यूके का जो पैलेस है वेस्टमिस्टर वहाँ पे क्या है पार्लियामेंट है इसीलिए ये नाम वो दिया गया है तो इसी के वजह से हम लोग इसको वंस मिनिस्टर भी कहते हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओके देन क्वेश्चन नंबर टू नाइन्टी नाइन तो ये थोड़ा देख लेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम पीरियड तो ये हम लोग का हो गया हिस्ट्री का संगम पीरियड द एंशियट संगम लिटरेचर मेंशन वेरियस गॉड्स सच एस इंद्रा शिवा विष्णु एंड मुर्गान एंड सेवेरल गॉडेस इंक्लूडिंग दुर्गा तो ये हम लोग का करेक्ट है क्योंकि हम लोग का जितना भी ये संगम पीरियड में जो भी ये किया गया था लिटरेचर था ये सब के बारे में मैंसन है then the telugu of uh, sangam literature uh, the language of sangal uh, literature is telugu to so, sangam literature ka jo ye language hai wo telugu nahi tha wo tamil tha baad mein telugu bhi hua tha to ye hum log ka galat ho jata hai then teri kadamai and panju were taxes related to the weaving industry तो so, हम लोग का क्या है कोई कोई word दे देते हैं और ये इसका मीनिंग क्या है इस तरह भी क्वेश्चन आता है तो so, ये आप लोग ध्यान में रखिए कि ये तेरी कदम और ये जो पंजू पिल्ली ये हम लोग का टैक्स का जो रिलेटेड होता है इंडस्ट्री से लेते हैं टैक्स उसी को कहते हैं तो यहाँ पे देख लेंगे आंसर कौन सा होगा हम लोग का टू गलत हो गया तो वन इन थ्री हम लोग का सही हो जाएगा तो देखते हैं ये है शिला पादिकरण रिफर टू वैदिक रिचुअल्स एंड ऑल्सो मेन्सन वेरियस गर्स सच एस इन शिवा विष्णु एंड मुर्ूगान एंड सेवरल गॉडेज इंक्लूडिंग दुर्गा ठीक है तो ये कौन सा बुक है नाम है शिला पादिकरण इसमें रिफ़र किया गया है भैदिक रिचुअल्स के बारे में जो कि गॉड के बारे में मैंसन किया गया है कौन कौन सा गॉड गौड़ और गॉडेज है देन दूसरा क्या है इसमें जो ये शिवा ये सब के बारे में चिप गॉड के बारे में भी मैंसन किया गया है देन मुरुगान ये शिवा का ही फैमिली से बिलोंग करता है उसका बेटा के हिसाब से माना जाता है ओके देन दूसरा हम लोग का जो लैंग्वेज था वो क्या है तेलुगु लैंग्वेज के, के था लेकिन संगम में क्या है तमिल लैंग्वेज होता है और बाद में धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज में भी आया उसका और यहाँ पे जो चोला ये थे एक्टिविटीज जो संगम एरा के थे वो लोग का जितना भी टैक्सेस ये सब कलेक्ट करते थे वो लोग का अलग अलग नाम था यहाँ पे देख लीजिए डिटेल में तारी इराई और तारी का दमाई ये लूम टैक्स के लिए होता है फिर अच्छू तारी ये टैक्स ऑन पैटर्न लूम है तारी पुदावानी ये टैक्स ऑन क्लोथ है देन पुंजू पिल्ली ये टैक्स ऑन कॉटन वन है देन केवाना और बैनिज ये टैक्स ऑन डाई है और पटाडाई नुलायाम ये टैक्स ऑन सिल्क थ्रेड है ये सब जितना भी है हम लोग का क्या है कोटेज इंडस्ट्री के बारे में है जो भी टैक्स वहाँ से लेते हैं उसके बारे में है तो इसको आप लोग जरूर याद कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओके okay, चलिए देख लेते हैं दूसरा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है थ्री हंड्रेड क्वेश्चन तक हम लोग का पहुंच चुका है थ्री हंड्रेड क्वेश्चन है ये मेघालय प्लेट्यू हैज ए हाईली इरोडेड सरफेस इन सम प्लेसेस आर डिड ऑफ वेजिटेशन विच ऑफ दिस कैन बी ए प्रोबेबल रीजन तो हम लोग का कौन सा रीजन का वजह से क्या है जितना भी ये है हम लोग का हिमालयन प्लेटू हाई हाईली इरोडेड हो रहा है तो कौन सा रीजन और उसका वेजिटेशन ये सब भी थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है तो ये हम लोग का है इट रिस मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द मानसून इट इज़ ए मेजर भोलकानिक जोन इट इज डिस्टर्ब बाई फ्रिक्वेंट प्लांट मोवमेंट प्लेट मोवमेंट इट इज ए रीजन कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव मैन ओके मिनरल्स देन यहाँ पे हम लोग का बहुत रेनफॉल वहाँ पर होता है इसीलिए ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ए हम लोग का करेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून एज ए रिजल्ट द मेघालय प्लेटू हैज ए हाईगली इरोडेड सरफेस ओके हाईगली जो ये हो रहा है इरोडेड हो रहा है सरफेस जो बह, uh, प्लेटू ये सब बिकॉज ऑफ रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है और चेरापुंजी जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर होता है ओके okay, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि शेयर करने के से जिसके इसका ज़रूरत है उन तक पहुँच पाएगी क्योंकि अभी दो महीना बच गया है एग्जाम के लिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय